गुड आफ्टरनून एवरीवन। अड्डा 24/7 की बैंक ऑफ इंडिया की पूरी टीम आप सभी का स्वागत करती है सीधा वार पर। 2023 जैसे ही शुरू हुआ, एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकला बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का। बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये बड़ा ट्विस्टेड सा नोटिफिकेशन था, तो स्टूडेंट्स को बड़े सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स आने लगे। तो आज हमारी पूरी टीम उन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए जुड़ी है, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न हो या फिर स्पेशली लोन्स वगैरह से या फिर बॉन्ड वगैरह से जितने भी आपके डाउट्स जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें आज के पूरे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले सोना मैम को इनवाइट करूँगी। थैंक यू मैम। सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ ही है कि हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन सामने आई, क्योंकि जहाँ पे अभी हमें कोई भी आरबीआई असिस्टेंट का हम वेट कर रहे थे, बट अभी तक हमें वो नहीं मिला नोटिफिकेशन, तो उससे पहले हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गया। सबसे पहले तो यही गुड न्यूज़ है। तो जो भी एस्पिरेंट्स जो IBPS नहीं क्लियर कर पाए लास्ट ईयर, RRBs में जिनका नहीं हो पाया, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब बैंक ऑफ इंडिया में एक्चुअली यहाँ पे 500 वैकेंसीज आई है, जिसमें दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। फर्स्ट वन आपकी क्रेडिट ऑफिसर, जिसमें 350 वैकेंसी है, और उसके बाद आपका IT ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होंगे, जिसमें आपकी 150 वैकेंसी है। इसी के साथ आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए। आपकी एज लिमिट भी 20 मिनिमम एंड 29 मैक्सिमम है। अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो वो भी एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ। आपका एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम बस एक होगा, प्री और मेंस जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। आपका जो मेंस बस एक जो एग्ज़ाम होगा वो मेंस लेवल का होगा, मतलब हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि SBI PO मेंस जैसा होगा, IBPS PO मेंस जैसा होगा, बट हाँ आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो सेम वैसा ही है IBPS PO मेंस जैसा, लेकिन हाँ लेवल उससे थोड़ा कम होगा और SBI PO मेंस से भी कम होगा। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके वही हैं जो आप हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, मेनली बैंकिंग के लिए जो पढ़ रहे होते हैं, दैट इज़ आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और उसी के साथ इंग्लिश। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि इंग्लिश ओनली क्वालिफाइंग है नेचर में, आपको बस क्वालिफाई करनी है इंग्लिश को, और साथ ही साथ उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो भी आपका क्वालिफाइंग है नेचर में। जो आपका इसके बाद जो एक प्रोसेस है, फेज़ वन हो गया आपका। अब इसके बाद आपका होगा एक ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन आपका 40 मार्क्स का होगा, और उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स। स्टार्टिंग में जो आपका रिटर्न एग्जाम है, अगर आपने वहां से आपने क्लियर कर लिया एग्जाम तो आप GD देंगे, अगर GD क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू मिलेगा। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो आपका जो बेसिस होगा सिलेक्शन का वो होगा रिटर्न एग्जाम प्लस आपका GD प्लस आपका इंटरव्यू, इन सभी के मार्क्स ऐड करके जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपका सिलेक्शन उस बेसिस पे होगा, उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ रिलीज होगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बात थी पूरी बैंक ऑफ इंडिया का, मैंने आपको एज लिमिट से लेके क्वालिफिकेशन से लेके थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दी। एग्जाम पैटर्न पे भी अच्छे से बात करेंगे, बट उससे पहले एक बात बच्चों के मन में है और बार बार पूछ रहे हैं, दैट इज क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, शुड वी अप्लाई और नॉट। तो इस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे पिंकी मैम ने बोला और शायद मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, बट बच्चों को ये बताना भी बहुत जरूरी था जो हमारे साथ जुड़े हैं कुछ नए बच्चे, कि ये नोटिफिकेशन किस बारे में और हम किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले मैं वैभव सर से पूछना चाहूंगी। वैभव सर, आपको क्या लगता है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं? मैम, अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट ऐसा आया था इनफैक्ट कि सर अप्लाई कर तो देते हैं, बट सबसे बड़ा इशू यहाँ पर हमारा है कि लोन, यानी कि इसमें क्वालिफाई करने के बाद भी हमारा क्या है कि ट्राइमेस्टर से हमारा क्या होता है, यानी कह सकते हैं एक सेमेस्टर वाइज हमारे क्या होंगे ट्रेनिंग दिया जाएगा, देन ट्रेनिंग में हमारा स्टाइपेंड तो मिलेगा, वो सारी चीज़ें अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, बट वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है 3.5 लाख का एक्चुअली, यानी कि वो लोन अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं सर बहुत सारे मन में बहुत सारे बच्चों के डाउट है, इनफैक्ट हम क्लास भी लिए थे तो ये भी डाउट था कि अगर सर हम सपोज दैट हम सेलेक्ट हो भी जाते हैं, देन हम अपना 3.5 लाख का हम जैसे भी अरेंज करके चाहे घर से दे दें या फिर हमने लोन ले लिया बैंक से, डजंट मैटर, बट अगर हमने कर लिया और किसी कारण से या फिर कोई रीज़न रहा फाइनेंशियली या फिर जो भी फिजिकली जो भी रीज़न रहा, अगर हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो क्या हमारा 3.5 लाख फंस जाएगा,
नो डाउट ये भी कंसर्न वाली बात है, क्या 3.5 लाख रुपए उनके फंस जाएंगे उनके, क्योंकि उनको इंटरेस्ट के साथ पे भी करना होगा। और बैंक ने ये बोला है बाद में कि हमने पे करेंगे, हम उसको आफ्टर 5 ईयर्स उसके ऊपर भी आएंगे, 5 साल के बाद हम लोग को पे किया जाएगा, बैंक ने बोला। इनफैक्ट वो अच्छी बात है, बट बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न है 5 साल तो बहुत आगे है बहरहाल, कि हम अगर नहीं सेलेक्ट होते हैं तो क्या होगा। तो उस चीज के लिए बहुत सारे पैनल है हमारे साथ, उसके ऊपर भी डिबेट होगी। अभी हमारे साथ सर भी हैं, वीर सर हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, हम सीधे लेके चलेंगे उनके ऊपर कि क्या सर ये सही होगा। अगर है तो नो डाउट, ऑफ कोर्स ये बात है, जॉब तो बहुत अच्छी है, बट हमारे कंसर्न से एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3.5 लाख इट्स मोर, यानी बहुत ज्यादा है एक्चुअली। तो हम चलेंगे वीर सर के पास। एग्जैक्टली वीर सर। सर देखिए, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो आपने जैसे लोन से स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक पॉइंट तो आ रहा है कि सर लोन हमारे ऊपर जबरदस्ती एक डाला जा रहा है, कि हम एक जॉब तो ऑफर कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं लोन एक, और एक और कंसर्न आ रहा है बच्चों के मन में कि सर 5 साल, मतलब अगर देखिए आप एक ऑनेस्टली, आप मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस पे बात करूंगा कि देखिए आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो एक सरकारी नौकरी की मिल रही है, बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी जॉब आपको देने वाला है। अब कौन बच्चा है जो सरकारी जॉब को 5 साल से पहले छोड़ना चाहता है? मतलब अगर आप देखिए लोन है, ठीक है, आपको एक, क्योंकि आप वहां पे बैंक की रिक्वायरमेंट है, दे वांट स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आपको क्रेडिट ऑफिसर की अगर हम रोल के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो बैंक आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेन करना चाह रहा है। क्यों भाई सर, अगर मैं करेक्ट हूं तो ये जो रिक्रूटमेंट है स्पेसिफिकली, ये शायद फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर का इस तरह से लिया, इस तरह से। इसके पहले सर मेरे को याद है मैंने लास्ट टाइम पे भी मैंने क्लास लिया है बैंक ऑफ इंडिया का, इनफैक्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट किसी कारण से वो एग्जाम डिले हो गया था, डेट आके फिर वापस से आगे बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। मेरे को याद है उस समय सर, आपको याद होगा तो उसमें प्रोफेशनल नॉलेज भी पूछा गया था, आपने जानते होंगे तो। और उसमें क्या था कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम जीए की बात करें तो वहाँ पर 40 क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत अच्छे से याद है, बट वहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज था। एंड एक चीज़ और कि वहाँ पर PGDBF के थ्रू नहीं लिया था उन्होंने सिलेक्शन, वो नॉर्मल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां पर दो पोस्ट को इन्होंने एक साथ कंपाइल किया, यानी कि IT एंड क्रेडिट ऑफिसर। तो यहां पर नो डाउट क्रेडिट ऑफिसर, जैसा कि सर ने बताया, कौन ही छोड़ना चाहता है गवर्नमेंट जॉब स्पेशली, और ऐसी पोस्ट के लिए जो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये पोस्ट के लोग इतनी कैपेबल होते हैं, ये पर्टिकुलर पोस्ट जहां से हम रिक्रूट करते हैं कहां पर पहुंच सकते हैं एक्चुअली, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम लेके चलेंगे कि सर और कुछ अगर इस पे कंक्लूड करना चाहे तो वीर सर। सर देखिए लोन का तो मैं ये सिंपल बोलूंगा, आप अगर बाहर से भी कोई डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट, अगर आप स्टैंडर्ड मार्केट रेट भी चेकआउट करेंगे तो आपको वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, और यहाँ पे उस कोर्स के बाद आपको एक सरकारी जॉब मिल रही है। तो आई कैन से क्या, देखो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क तो ये रहेगा, यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज लोन कैन नॉट बी अ बर्डन जब आपको एक सरकारी नौकरी मिल रही है भैया, और लोन आपको बहुत ही कंसेशनल रेट पे आपको चुकाना है, और वो बैंक आपको इजीली प्रोवाइड भी कर रहा है, और उसके लिए आपकी सैलरी भी मिलेगी, आपको एक हेफ्टी चेक आपको मिलता है पे चेक आफ्टर, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं बैंक को, तो एक छोटा सा EMI अगर डिडक्ट भी हो रहा है दोस्त, तो उसमें आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दैट पॉइंट कि जैसे अभी तक की बात हुई, सबसे पहले आपको मिल रही है एक सरकारी नौकरी, इसके अलावा द पोस्ट द जॉब दैट यू आर गेटिंग इट इज अप टू द PO लेवल। I would like to add one more thing in this discussion. As my fellow panelist has mentioned that it's a course that you are getting enrolled into. So, yaad rakhiye, PGDBF makes you a technocrat. And by using the word technocrat, I would like to explain it a little more. Ki it gives you a little bit of power to function in the bank. Iske alawa, aapki technical knowledge jo hoti hai of how to function in a bank, ye bhi strong hogi. आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो 3.5 लाख का जो लोन है, इट लुक्स लाइक अ बिग थिंग राइट नाउ, बट जब आप एक बार जॉब करने पहुंच जाएंगे उसके बाद दिस वुड लुक वेरी स्मॉल, इज व्हाट वीर सर आई गेस वांटेड टू से दैट वंस यू गेट अ जॉब, आपको सोचिए हर महीने अराउंड 65,000 की सैलरी मिलने लगेगी अलॉन्ग विथ अदर पर्क्स, तो उसके बाद दिस वुड लुक वेरी स्मॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव ऑल्सो दिस थिंग इन देयर नोटिफिकेशन इटसेल्फ कि इफ यू कंटिन्यू द जॉब फॉर स्ट्रेट अवे 5 ईयर्स तो फिर आपको ये जो अमाउंट है लोन का वो रिबेट भी हो जाएगा। देखिए एक और बात आपको जो यहाँ पे समझना होगा वो ये है कि एज, आप अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हैं तो उस कंडीशन में आप एक क्लर्क में अगर जाते हैं, सपोज करिए आप किसी बैंक में क्लर्क बनते हैं, तो इसका जो प्रमोशनल लेवल है ये एक पॉइंट तक के आप सिर्फ AGM या एक सर्टेन डिग्री तक के ही बढ़ सकते हैं,
बट इवन एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मिलेगा. याद रखिए IIM जो कोर्स करवाता है ना उसका नाम भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है. तो ये कंफ्यूजन में बिल्कुल मत आना कि ये तो है तो डिप्लोमा. नहीं, याद रखना IIM विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ही देता है. तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए. इसके अलावा मान लीजिए आप को थोड़ा टाइम हो चुका है आपको प्रिपेयर करते हुए, यू हैव स्पेंड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स से 6 months, लेट्स से 1 year, या फिर लास्ट जो हमारा साइकिल हुआ था एग्जाम का उसमें आपने कुछ एग्जाम दिए जहां पे आपका एग्जाम जो है अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन के कारण क्वालिफाई नहीं हो पाया. सो दिस इज एन एडेड एडवांटेज आई वुड से. I would invite Pinky ma'am to add on to that. Right. Thank you, ma'am. एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है कि जैसा कि इस पोस्ट का नाम ही है ना क्रेडिट ऑफिसर, मुझे लगता है कि बैंक का जो कोर फंक्शनिंग होती है ना वही यही होती है कि लोन प्रोवाइड करना है, राइट? तो इस पोस्ट में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोर फंक्शनिंग में आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की. तो ग्रोथ पर्स्पेक्टिव से भी अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट सर? हम यहाँ पे आप सभी पैनलिस्ट ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि हम थोड़ा नेगेटिव प्रोस्पेक्ट की ओर जाएंगे, थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे उसको बोलना है कि जैसे कि मैम ने बोला कि चलो ठीक है सारा कुछ अच्छा है कि हम नॉर्मल क्रेडिट ऑफिसर बनते हैं. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ताकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूछ रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम PO क्यों ना ज्वाइन कर लें? अगर हम फ्रेशर हैं, मेरी एज है 20 साल से 29 साल, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो हम PO क्यों ना ज्वाइन करें? हम क्रेडिट ऑफिसर में 3.5 लाख रुपए क्यों देने जाएं? या फिर अगर हम सपोज दैट हम दे भी देते हैं तो हम मेरे पास टाइम है, मेरे पास एज है, तो हम इतना करने, यानी कि हम सपोज दैट बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ये कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं हम कि अगर मेरे पास एक कैंडिडेट थे उनको ये कहना था कि सर मैंने बीटेक किया, मेरे बीटेक में अप्रॉक्स 6-7 to 8 लाख नॉर्मल कॉलेज से किया था, तो 7-8 लाख रुपए लग गए, पापा उसमें भी गाली दे दी मेरे को कि तू कर ले, कर नहीं, नौकरी नहीं करेगा, यूजफुल नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, तो समझ लेना तुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे. चलो समझ में आता है. दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग 3.5 लाख वापस से दे, अगर सपोज दैट प्रोसेस लंबा, क्योंकि जो हमारे हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, और अगर हम टाइम पे हमारे पेरेंट्स को ये नहीं लगता कि अगर हम जॉब करने के बाद हम सेलेक्ट भी हो गए कि इतनी करने के बाद देन हमको 1 साल टाइम दो, फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, फिर हमको 5 साल का वेट करना पड़ेगा कि पापा पैसा मिल जाएगा आपको, ये सब समझ में आता है कि सैलरी अच्छी है. लेकिन PO में क्या है कि हमारा विद इन 7 to 8 months में हम ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा PO बेटर होगा कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर. सोना मैम एंड वीर सर. ओके सर, मैम पहले आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फिर? यस, जो सर ने बोला है कि डायरेक्ट हम जो IBPS, देखिए बैंक में हम सभी को पता है 3 तरीके से हमारे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, एक होता है IBPS के थ्रू, एक होता है SBI के थ्रू और एक RBI के थ्रू. जो IBPS के थ्रू है, अब सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि IBPS के थ्रू क्यों ना चले जाऊं मैं, क्योंकि हम सभी को पता है 1 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आ जाता है. अगर RRB की बात करूं तो 1 जनवरी को आ जाता है, मतलब विद इन 6 months हमारा अलॉटमेंट हो जाता है किसी बैंक में. अब यहाँ पे ये एक बड़ा प्रोसीजर चल रहा है, यहाँ पे हमें लोन भी लेना पड़ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका सिलेक्शन थ्रू IBPS हो रहा है तो इससे बढ़िया बात ही क्या है, इससे तो फिर कुछ है ही नहीं और बढ़िया. आप डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है, बैंक में जा रहे हैं. लेकिन सर ने जब बोला कि भाई मैं तो PO बनूंगा, भाई वो ही तो नहीं बन पा रहे हैं. इसलिए मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जिनकी 25 प्लस एज हो चुकी है, सबसे पहले तो आपको सेकंड थॉट रखना ही नहीं है, आपको तो जरूर ये फॉर्म फिलअप करना है. दूसरी चीज, जो फ्रेशर्स हैं उन्हें भी मैं बोलूंगी एज अ फ्रेशर भी आपको जाके जरूर देना है एग्जाम, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं सुनना चाहती मैम हमने तो कभी कोई एग्जाम ही नहीं दिया. आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हमेशा काम आएगा आपको. अगर एक बात बताइए, अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट, अगर मैं 21 साल की हूँ, मैंने स्टार्ट किया अभी प्रिपरेशन और मुझे लगा कि यार मुझे ये देना चाहिए, मैं गई क्योंकि एक उसका जो पैटर्न है दैट इज मतलब सेम है आपका IBPS PO मेंस जैसा, मैंने वो एग्जाम दे दिया, उसके बाद GD क्लियर कर दिया. वैसे ये बड़ी बात होगी पूरा क्लियर करना, भी आपको पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा, बहुत हार्ड वर्क करना होगा और फिर ये जॉब लगेगी. तो आपको पहले आपको एक रिटर्न, फिर GD, फिर इंटरव्यू, समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपके पास चॉइस होगी ना, आई हैव अ चॉइस ना, मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है. अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ठीक है जाइए. अगर आपको लग रहा है कि आने वाला जो IBPS है उसमें मेरा शायद आपको ऐसे रिस्क सा लग रहा है कि यार होगा कि नहीं होगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ,
तो फिर आप जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। ओवरऑल आप एक साल बाद एक गवर्नमेंट, एक बैंकर होंगे, आप एक गवर्नमेंट बैंक में एज अ एम्प्लॉई वर्क कर रहे होंगे। तो ये एक, यही हमारा सपना है। एंड एक और बात सनी बोली थी, दैट आई थिंक मैम ने बोली थी कि 5 लाख के बाद, मतलब 5 साल के बाद, सॉरी 5 ईयर्स के बाद, हमें वो जो हमने जो भी लोन लिया था और जो हमने बैंक को दिया था वो हमें वापस मिल जाएगा, अगर हम 5 साल का बॉन्ड उनके साथ, मतलब कि 5 साल अगर हम उस बैंक में वर्क करते हैं तो हमें वो वापस मिल जाएगा। मैं जितने स्टूडेंट्स को जानती हूँ अपने, वन इज़ इन बैंक ऑफ बड़ौदा PGDBF, उनका आई थिंक 2018 में उनका हुआ था, वो अभी तक उस बैंक में, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ। ठीक है, 25 आई थिंक उनकी एज थी उस टाइम। एंड उसी के साथ एक मैं एक और को जानती हूँ, ही इज़ ऑल्सो इन बैंक ऑफ बड़ौदा, उनका उनसे पहले हुआ था और वो भी अभी उसी ही बैंक में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, फॉर्म तो ज़रूर फिलअप करना चाहिए। मैम देखिए, आपने करियर प्रोस्पेक्ट से बात की, मैं इसमें थोड़ा सा एक अलग एंगल ऐड करूँगा। आप लोन को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में क्यों ले रहे हैं, मेरा ये पॉइंट है। थिंक इज सर, मैं इसको एक रिकरिंग डिपॉजिट के तौर पे क्यों नहीं ले सकता कि मेरे को मंथली सैलरी मिल रही है कोर्स करने के बाद, उसमें से मैं एक छोटा सा पोर्शन सेव कर रहा हूँ जो मुझे 5 साल के बाद रिटर्न हो जाएगा एक लमसम अमाउंट में। तो हम इस लोन को, लोन आर असेट्स फॉर अ बैंक, तो इसे हम असेट के तौर पर डील क्यों नहीं कर रहे, पहला पॉइंट है। सेकेंडली, अगर हम कैरियर प्रोग्रेशन के टर्म्स में कंपैरिजन करें पीओ और यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर का, देखिए क्रेडिट ऑफिसर्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज जिन बंदों के पास होती है, तो उनका कैरियर प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं नॉर्मल पीओ से बेटर रहता है। अगर आप देखिए अगर हम सरकारी जॉब में बात करें तो आपका एक 10 ईयर के बाद प्रमोशन होता है, बट अगर आप यू आर टारगेटिंग फॉर दोज जॉब्स की यार मुझे इस बैंक के टॉप लेवल, टॉप हायरार्की में पहुंचना है, तो उसके लिए आपको ये सारे कोर्स करने ही पड़ते हैं दोस्त, अलग से आपको यहाँ बैंक करवा के दे रहा है और आपको आगे चल के खुद से करना पड़ेगा। तो आई थिंक सर यू वुड बी एग्री ऑन दैट कि यार एक लोन तो एक, जस्ट मैंने आपको उसका पर्सपेक्टिव एड ऑन कर दिया यार कि लोन इट्स जस्ट लाइक एक रिकरिंग डिपॉजिट हो रहा है, वहां पे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आपको बैंक की टॉप हायरार्की में पहुंचना है तो कहीं ना कहीं इस तरह के कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इफ यू वांट टू रीच आउट टू द पोस्ट ऑफ एमडी सीएमडी, जो बैंक्स में हाई टॉप पोस्ट या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल्स पे होते हैं, वो यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बंदे ही होते हैं, आप चेकआउट कीजिए। इसके अलावा आई वुड लाइक टू ऐड ऑन वन मोर थिंग, द प्लेस ऑफ द जॉब इज हैज, यू विल नॉट गेट पोस्टेड इन अटमोस्ट रूरल एरिया। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल रूरल एरिया में भेज दिया गया जहाँ पे आपका रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्ट नहीं होगा। यू विल बी, इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी इनकी पोस्टिंग्स मुंबई में होती है। इसके अलावा इफ़ यू आर एट ऑल पोस्टेड इन एनी डिफरेंट एरिया, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज ही होंगी, टीयर 3-4 विलेज ऐसा नहीं होगा। यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज आप जहाँ पे भी प्लेस होंगे। तो ये एक और एडवांटेज है ऑफ चूजिंग दिस जॉब ओवर अ नॉर्मल पीओ जॉब। यस मैम, और मैं ये भी बोलूँगी इसी के साथ, ये तो जॉब के बाद की बात हुई, इसी के साथ जो स्टूडेंट्स का हो चुका है, अगर आप उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे तो वो बोलते हैं मैम हमें आज तक ना, मतलब लाइफ टाइम हमें वो ट्रेनिंग पीरियड याद रहेगा जो हमारी ट्रेनिंग होती है। अब जैसे उन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी बैंगलोर में, एक ग्रेटर नोएडा भी होती है और बैंगलोर भी होती है, अभी इसमें तो मेंशन नहीं किया है, वो अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। बट वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ साथ बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर करवाई जाती है, तो वो आपका बेस्ट पीरियड होने वाला है। एक और बात, PGDBF हमने सुना है आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, आप वो डिप्लोमा आपने मे बी कर भी रखा हो, बट उसके बाद हमें गारंटी नहीं होती कि हमें एक सरकारी नौकरी मिलेगी। और अगर कोई प्राइवेट नौकरी मिलती भी है, कोई प्राइवेट जॉब मिलती भी है, तो उसकी जो सैलरी होगी ना वो बहुत कम होती है, आपको पता ही है। मतलब रेयरली ऐसे कुछ लोगों का होता होगा कि अच्छे पोस्ट पे, मतलब कि या अच्छी सैलरी पे वो उनको उनकी हायरिंग हो जाया करती होगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक साल बाद आप बैंक ऑफ इंडिया में होंगे एज अ क्रेडिट ऑफिसर, एज एन आई टी ऑफिसर होंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। Yes, sir. आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं मैम, आपके मैं टोटली आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ। और एक और चीज है, देखिए जो क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है, एक मन में एक और डाउट आता है जो एक जनरल थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के तौर पे भी बच्चे डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे को एकदम स्ट्राइक किया कि सर जब मेरा इसमें एनरोलमेंट हो जाएगा तो मेरे को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, 3 साल का सर्विस एग्रीमेंट, तो क्या अगर मैं किसी और जॉब के लिए ट्राई कर सकता हूँ क्या?
तो एक ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। सर एग्जैक्टली हम यही सोच रहे थे, आप लोगों का जब स्टेटमेंट सबका आ रहा था तो उसमें गुड़ा गणित करके क्वेश्चन निकाल रहे थे कि क्या भी काउंटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली आपने देखा होगा बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड साइन करना, ये सर ये केवल एक्चुअली हम अगर हम बात करें कि अगर हम सपोज दैट अगर हम निकालते हैं मेरा जैसे कि आपको पता होगा एक ही फेज का एग्जाम है इसमें क्वालिफाई हुआ, जब हम जीडी प्रोसेस में जा रहे हैं इंटरव्यू में जा रहे हैं देन सेलेक्ट हो रहे हैं और एक टाइम एक साल टाइम दे रहे हैं तो हम सर अगर आप मेरी बातों से इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम आरबीआई ग्रेड बी के लिए लग जाए, ठीक है, अगर आरबीआई ग्रेड बी के लिए लग जाते हैं और इतना ही प्रोसेस करके हम उसमें निकाल लेते हैं सर, उसमें तो हमारा क्या है कि इनफैक्ट हम बैंकों के बाबूजी यानी कि बैंक जो आप समझ ही सकते होंगे रेगुलेटर जिसका सपना होता है जो बैंक के इंप्लॉई होते हैं वो भी बैंक में जाते हैं आरबीआई में जाना चाहते हैं, तो हम आरबीआई ग्रेड बी क्यों ना सेलेक्ट कर लें, उसमें हमारी सैलरी भी अच्छी है हमारी ग्रोथ भी अच्छी है, इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिए जाएंगे तो माशाल्लाह कोई बात ही नहीं है। अगर यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट कि जैसे कि अभी पैनल ने बोला कि हमारे बीच में कि ये बोला गया कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके टायर वन टायर टू सिटीज में होंगे, आरबीआई तो आपके आपने रीजनल ऑफिस देख लो, आप कहाँ जाओगे, आप यूपी में जाते हो लखनऊ कानपुर जाओगे, मुंबई में जाओगे मुंबई में नागपुर और मुंबई में जाओगे, दिल्ली में आओगे तो दिल्ली में रहेगा, तो हम आरबीआई ग्रेड भी क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते सर, जब हमारा एफर्ट उतना ही है मेहनत उतना है हम माथा पच्ची भी उतना ही कर रहे हैं सारा प्रोसेस भी सेम है, बहरहाल 3.5 लाख वाला चीज नहीं है सर। सर इसमें थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा, रीजन बीइंग ये बैंक ऑफ इंडिया जो क्रेडिट ऑफिसर की जो जॉब है इसका जो एग्जाम पैटर्न आप देखेंगे वो बहुत ईजी रहेगा कंपेयर टू आरबीआई, इवन अगर देखिए ये जो बॉन्ड फैक्टर है ना इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी कम आने वाले हैं, और आरबीआई का अगर मैं आपको सक्सेस रेट बताऊं सर तो इट्स हार्डली 0.1%, बट वहां पे कंपटीशन भी इट्स रूथलेस, और टॉप आईआईटी ग्रेजुएट्स टॉप आईएम ग्रेजुएट्स या किसी भी स्ट्रीम के जो टॉप ग्रेजुएट्स होते हैं दे आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर देयर, बट यहां पे क्या है हमारे वो लेवल का कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं होने वाला। तो पहला तो पॉइंट ये है कि सर ये आरबीआई से एक चीज और याद आया कि अगर आप अगर कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो कि अगर सर हम पेपर जब इजी आता है तो मेरिट हमारा हाई जाता है, नो डाउट पेपर इजी आने वाला है इस बात से हम एग्री करते हैं, ठीक है, बट अगर मेरिट हाई जाएगा जैसे सर आरबीआई असिस्टेंट की बात करेंगे वीर सर यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट का पेपर बहुत इजी आता है निहायत इजी आता है और आपको पता हो सर आउट ऑफ 100 मेरिट कितना जाता है आप मुझसे सुनना चाहते हैं 90 प्लस, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 99 सर यहाँ पे मेरी हम थोड़ा क्रॉस करेंगे सबको सारे पैनल को कि अगर हम आरबीआई असिस्टेंट है तो सर मेरिट ऑफकोर्स हाई जाता है, जो हमारे एवरेज स्टूडेंट होंगे जो फ्रेशर होंगे उनके लिए सर हम क्या आप क्या कहना चाहोगे। सर एक छोटी सी चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि अभी देखिए आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था नोट माय वर्ड्स था बट अभी आया नहीं है, अभी मैं खाली हूँ सर, सपोज मेरे पास कोई जॉब नहीं है, एज ए फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो मुझे सामने नजर आ रही है एंड देन एक वो पुरानी कहावत है ना सर, वन इन हैंड इज बेटर देन वन इन द बुश, सो आपके सामने एक अच्छा नोटिफिकेशन आया हुआ है जो आपको एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बट देखिए कहीं भी अगर एक बॉन्ड का जो आपका टर्म था कि देखिए जो गवर्नमेंट में जो मेरे को रूल्स पता है इफ आई एम करेक्ट ऑन दैट पार्ट, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है I am ready for the criticism, but कहीं ना कहीं जो हमारे government jobs में जो bonds होते हैं they are transferable. तो मे बी अगर मैं शायद RBI grade B अगर select हो जाता हूँ तो that bond will be transferred to the RBI. If I am correct on this part, क्योंकि bonds are transferable in the government job. वो एक organization से दूसरे में transfer हो जाते हैं. और सर मुझे ऐसा लगता है अगर हम एक बड़े angle से भी सोचें तो अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की भी बात करें तो अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस जितने होंगे स्पेशली सरकारी नौकरी में जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और ऐसे बैंक ऑफ इंडिया जैसे अगर अच्छे ऑप्शंस होंगे तो ये हमारे लिए एक सोने पे सुहागा जैसी चीज़ है। एंड सर एक और सॉरी टू कॉन्ट्रडिक्ट यू गाइस बट एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा सर कि आपका जो डिप्लोमा है ना इट माइट हेल्प यू टू रीच अप टू द लेवल ऑफ डेप्यूटी गवर्नर और इवन गवर्नर इन द आरबीआई। आई एग्री सर एग्जैक्टली बट सर अब यहाँ पे सोना मैम ने बोला था मेरा हम आज आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना खोद खोद क्यों निकाल रहे हैं एग्जैक्टली एक्चुअली ये बहुत हम यहाँ पर जब हम आपको जो भी मेरे भाषा बोली जो आपको दिख रहा है एक्चुअली कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है हाँ, तो यहाँ पर मेरा ये कंसर्न है कि अगर आपने बोला सर जीबीओ यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर अभी इसके पहले मैंने भी क्लास लिया था, मैंने इनफैक्ट अभी बहुत जीबीओ की क्लासेस लिए बहुत सारे सिलेक्शन भी हुए इनफैक्ट कैंडिडेट के, तो अगर हम जीबीओ जाते हैं सर तो हमारा आरआरबी जीबीओ बैठा हुआ है आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 की बात करें सर
या फिर हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईबीपीएस में क्यों ना चले जाए कि हमारा सर उससे ज्यादा फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी, ठीक है, और हम पीजीडीबीएफ के लिए क्यों जाएंगे यहां पर, केवल पीजीडीबीएफ। अब यहां पर ये बात को हम पहले से बता दें आपको कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं यूज करना कि सर हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, तो अभी जो ऑप्शन पहले है उसको पहले हम टैकल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें सर कि हमारे पास स्केल टू स्केल थ्री आरआरबी में अवेलेबल है, हमारे पास आईबीपीएस एसओ अवेलेबल है, तो हम सर पीजीडीबीएफ ये सुटेबल होगा सर हमारे लिए? सोना मैम, वीर सर, स्पेशली मुझे सबसे पहले यही लगता है कि अभी जैसे आप बोल रहे हैं हमारे पास ये है एक्चुअली अभी किसी बच्चे के पास वो है ही नहीं। अगर होता तो वो अभी बैंक में होते। तो आईबीपीएस एसओ भी अभी गया है हाल ही में, आप सभी को पता है दिसंबर में हुआ था उसका एग्जाम। उसके साथ आपका आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी, जीबीओ का हमने पढ़ाया भी था लगातार उसे, तो जीबीओ का भी एग्जाम जा चुका है, आपका आरआरबी पीओ क्लर्क का भी जा चुका है, नहीं हुआ। और कुछ बच्चे दो तीन साल से लगातार, दो तीन तो मैं फिर भी कम बोल रही हूँ, कुछ कुछ बच्चे चार पाँच साल से लगातार कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, देन गो फॉर इट ना, इसके लिए जाइए आप। क्यों? अब जो सामने है, जब आपको अभी पता ही नहीं है कि यार मैंने इस साल दिया, समझ लो इस साल आपने फिर से दिया, आरआरबी दिया, आईबीपीएस दिया, नहीं हुआ, अगले साल के लिए आप तैयारी करोगे फिर? और जिसका कुछ मुझे पता भी नहीं है, इस साल चलो हम बच गए एनआरई सीईटी से, अब अगले साल क्या होगा नहीं पता, इसलिए हम बार बार बोलते हैं 2023 सिलेक्शन ईयर होना चाहिए आपका, सिलेक्शन होना है तो इसी साल होना है किसी भी हाल में। अब आप इसके थ्रू बैंक में जाएं या आप आईबीपीएस, अगर आप कॉन्फिडेंट है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे मेंस में बहुत कम मार्क्स से या फिर मेरा ओवरऑल सिलेक्शन कुछ कट ऑफ, मतलब कुछ मार्क्स से रह गया, या फिर आपको लग रहा है मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम आ जाएगा, मैं 0.5 से रह गया, तो फिर ठीक है, नहीं भरना चाहते हैं मत भरिए, बट मेरा एक सजेशन रहेगा, ये हम यही सुनना चाह रहे थे, नहीं भरना चाहते तो मत भरिए, लेकिन when you have an option कि मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम आएगा। एग्जैक्टली, आई एग्री मैम, नो डाउट यार, ये बात तो फैक्ट है। यहाँ पर कि जैसा कि वीर सर और मैम लोगों ने सबने बताया कि अगर हम इस पर्टिकुलर इस पोस्ट की बात करें, पीजीडीबीएफ की बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, नो डाउट यार, गो थ्रू कीजिए, फॉर्म फिल करो, जरूरी है फॉर्म फिल करना, जरूर फॉर्म तो फिल करना ही है आपने, बट हम आपके ये जो चीजें थी जानबूझ के आपको करना, इंगित करना उस चीज के लिए, पॉइंट आउट करना आपको, और रीजन यही था बताने का कि आपका जो डाउट है, जैसा कि वीर सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, मैम ने क्लियर किया इस चीज को लेके कि आपका क्या क्या हो सकता है इसमें, यानी इनफैक्ट कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको नो डाउट अगर करियर प्रोस्पेक्ट से बात करें सर तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। इनफैक्ट आपको बता दें केवी कामत साहब, कल हम लोग मीटिंग में बात भी कर रहे थे, केवी कामत साहब, आई होप कि जितने लोग, जितने भी कैंडिडेट मेरा सुन रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा केवी कामत, और आपको बताना है कमेंट में केवी कामत साहब हैं कहां पे, अभी प्रेजेंट टाइम पे वर्किंग कहां पर है। केवी कामत आप जानते होंगे, या आईसीआईसीआई से भी रहे हैं, आईसीआईसी लंबा इनका अभी आज इंटरनेशनली देख रहे हैं सारा, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में इनका नाम आया। इनफैक्ट उसके साथ साथ अगर हम बात करें अरुंधति भट्टाचार्य मैम का, ठीक है, तो आप लोग नो डाउट, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप एमडी बनोगे या फिर आप चेयरमैन बनोगे, हम ये नहीं चाह रहे, बट हाँ नो डाउट आपका ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से ये सुपर, ये नो डाउट ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, बट आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाह रहे थे हम लोग ये लोन के ऊपर, बिकॉज ऑफ आपका ये जो फोबिया है लोन का, एक्चुअल जो हम लोग बना लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोले सर क्या बता रहे हो आप, 3.5 लाख का लोन दे रहे हैं, कौन देगा सर, पापा तो सुनते ही गाली दे देंगे। ये स्टेटमेंट है एक्चुअल कैंडिडेट का, 3.5 लाख, ये 3.5 लाख, 3.5 लाख एक्चुअल कुछ भी नहीं है अगर आप हम बात करें तो। हम इसको कंक्लूड करेंगे और आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, वीर सर और सोना मैम एंड पिंकी मैम एंड किंजल मैम, तो आप लोग अपने अपने आपके जो कॉमेंट्स होंगे यहाँ पे, प्लीज आप एक कैंडिडेट को बोलना इस बात के लिए बताओ कि एक्चुअल क्यों भरना चाहिए, क्या रीजन है, ठीक है, तो अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। वीर सर, सोना मैम, एक सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, 3.5 लाख कहाँ से लाएगा एक मिडिल क्लास फैमिली का, वो भी बच्चे जानना चाहेंगे। मैम जैसे कि एग्जैक्टली अगर अब हम पॉजिटिव वे में बात करें, पॉजिटिव वे में बात करें कि एक नॉर्मल से अगर 3.5 लाख की बात है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा नोटिफिकेशन में इन्होंने ये एक बात मेंशन किया था 3.5 लाख रुपए का, कि अगर आप पैसा आपके पास है तो आप उसमें लगा सकते हो। ये दूसरा पॉइंट क्या था कि बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन देगा, वो भी एजुकेशन लोन देगा, ठीक है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रिलैक्सेशन वाले होंगे। पहला पॉइंट, अगर आप यही एजुकेशन लोन लेने जाते हो मार्केट में, आप नॉर्मल आप चले जाओ लो एजुकेशन लोन ले लो, आप देख लो चप्पल ना घिस जाए तो कहना आप, क्यों? क्योंकि रीजन वहां पर ये है आपका कि आपका एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको 10th का मार्कशीट दिखाना होगा, 12th का मार्कशीट दिखाना होगा, कि अब आप 10वीं में हम
52% के साथ क्वालिफाई हुए, 12वीं में हमने आपने 59% के साथ क्वालिफाई हुए, आपको बैंक दे देगा लोन? नहीं देगा। क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे कि हम क्यों लोन नहीं देने जाए भाई, इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। कल को पता चला पास पढ़ तो ले जैसे तैसे करके, क्या नौकरी कर पाएगा? बहुत सारे जगहों पे कंडीशन रख दिया जाता है कि बच्चा मेधावी है, स्कॉलर है, तब उसको नौकरी दी जाएगी। तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा यानी पहला पॉइंट था कि आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर 5 ईयर कंप्लीशन, यानी कि 5 साल के बाद आपको यहां पर क्या किया जा रहा है, ये पैसा वापस किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने बोला चिंता मत करो, हम आपके जितने भी सेमेस्टर ले रहे हैं उसमें फोकट का ट्रेनिंग नहीं दे रहे। फोकट का ट्रेनिंग इन द सेंस हम आपको स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। अब आप बोलोगे सर 1500 रुपए का कौन सा स्टाइपेंड होता है, बट यार लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे या सेमेस्टर जो भी करो, 15,000 आपको दिया जा रहा है। देन उसके बाद आपको क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जा रही है आपको वहां पे, आप उसमें देखना नोटिफिकेशन में। इनफैक्ट बैंक PGDBF की बात करें, PGDBF सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट किया था, वी सर एग्री है, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट किया और अच्छा जॉब रहा था। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का अवेटेड जॉब रहा था ये, तो नो डाउट आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट है नॉर्मल लोन की कंपैरिजन अगर हम बात करें। अगर आप कैपेबल हो, अगर आपने क्वालिफाई किया, तो हम तो बोलेंगे आप इसको तोड़ देना है बिल्कुल, ठीक है। अगर क्वालिफाई कर ले रहे हो तो आपको GD भी निकालना है, इंटरव्यू भी निकालना है, क्योंकि वहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई करते ही GD के जाने के लिए पहले आपसे पैसा ले लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आपका प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। तो सर एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ, तो अगर जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, ऐसी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा ट्विस्टेड सा नोटिफिकेशन है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को ही ना भरें, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि आप लोग, क्योंकि हमारा डिस्कशन इतना ज़्यादा सुनने के बाद और सब सुनने के बाद आई एम श्योर आप लोग एक स्मार्ट डिसीजन लोगे और आप लोग डेफिनेटली इस फॉर्म को भरोगे। यही इसी चीज़ के साथ शायद यही आज के पूरे डिस्कशन का एक अच्छा कंक्लूजन। इन द कंक्लूजन पार्ट आई वुड लाइक टू एड, हमारे पास कुछ 4-5 सवाल थे जिनको हमने सॉल्व किया। सबसे पहला सवाल था द लोन अमाउंट। तो जैसे लोन अमाउंट के लिए माई फेलो पैनलिस्ट हैव एडेड, वन इट इज नॉट, लेट्स जस्ट टेक इट एज एन एसेट, ये एक चीज है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपको नॉलेज देगा और आपको बेटर गवर्नमेंट जॉब देगा। दूसरी चीज जो इस डिस्कशन में आई है कि दिस जॉब इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू अ PO लेवल जॉब, द प्लेस द पोस्टिंग एरिया दैट यू आर गोइंग टू गेट, ये बहुत अर्बन पोस्टिंग हो सकती है, आप सीनियर पोस्ट पे बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि सर ने कहा कि आप अरुंधति भट्टाचार्य मैम जो हैं, शी इज वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स दैट वी हैव हैड, तो उनके वो भी ऐसे ही ज्वाइन करी थी। इसके अलावा पैटर्न, और इसमें भी हमने समझा कि PO लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू कैन ग्रैब। और एक क्योंकि PO जितना डिफिकल्ट नहीं है, तो शायद चांसेस हैं कि आपकी नौकरी लग जाए। और ये जो लोन अमाउंट है, ये बेसिकली आपको इंडिपेंडेंट ही बनाएगा, क्योंकि यू योरसेल्फ आर गोइंग टू पे इट बैक, गेट इट बैक आफ्टर गिविंग सर्विस ऑफ 5 इयर्स। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बिकॉज जो आप जॉब देख रहे हैं दोस्तों, वो क्रेडिट ऑफिसर की, और क्रेडिट ऑफिसर का काम ही है लोन्स को मैनेज करना, ठीक है। तो ये जो लोन है, इसी को कैसे आप असेट में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और यही आपका फंक्शनिंग भी रहने वाली है कहीं ना कहीं बैंक के अंदर। और अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस नोटिफिकेशन। आपका बैंक में जाना अगर कहीं पैशन रहा है सीरियसली, और आपको एक कैरियर में अच्छा, मतलब बैंकिंग में अच्छा कैरियर प्रोग्रेशन चाहिए, तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए जरूर जाइए। अगर मैं लास्ट में एक अगर जरूर ऐड करूंगा, अगर आपको UPSC एस्पिरेंट है, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ बैकअप, सो देन थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक फ्रेशर के लिए दिस कुड बी वन रिमार्केबल जर्नी इन द बैंकिंग सेक्टर। थैंक यू। IT में जितने ले ऑफ हो रहे हैं ना, IT में इतने ले ऑफ हो रहे हैं, बाकी के इंडस्ट्री में इतने ले ऑफ हो रहे हैं, अगर इस टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट अ जॉब, सो जस्ट गेट अ जॉब। तो हम सब लोग शायद यही उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा सीधा वार था वो आपको अच्छा लगा होगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आई एम श्योर। जितने भी कंफ्यूजन, जितने भी डाउट्स थे आपके, सारे क्लियर हो गए होंगे। तो और चीज और गाइस, अगर आप लोगों को ये ऐसे ही हम लोग आपसे डिस्कशन करते रहेंगे अलग अलग मुद्दों के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो आपको अगर आप बता दें यहाँ पे कि अगर आप सारे अपडेट लेना चाहते हो, एक एक चीज, एक एक वीडियो का अपडेट लेना चाहते हो, तो आपको जाना है और जाके तुरंत ऐप यानी कि अड्डा, सॉरी प्ले स्टोर से अड्डा का ऐप इंस्टॉल करना है। और अगर आप आईफोन यूजर हो, यानी कि आईफोन के, हाँ iOS पर हो आप, तो iOS का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट आज iOS सब देखते हैं, तीन कैमरा वाला, चार कैमरे वाला, चार तो नहीं है, दो कैमरे वाला, तो हम तो ऐसे ही याद रखते हैं ये दो कैमरे वाला या तीन कैमरे वाला। तो अगर आप iOS यूजर हो, तो आप iOS का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो।
थैंक यू गाइस। तो जाते जाते हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी ही किसी भी बैंक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप तुरंत अड्डा 247 का प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।